तो ये हमारी छोटी सी ट्रिप थी जिसमें हमें शिमला मनाली की भीड़ से हटके कहीं जाना था। क्वार विलेज में घुसते ही लगा काफी कंजेस्टेड एरिया है व्हीकल्स के लिए और यहाँ का प्रॉपर व्यू भी देखने को नहीं मिला था। तो रूम लेने के बाद हम लोग निकले बाहर कुछ नजारे लेने के लिए। लंच टाइम पार हो चुका था तो लंच में हमें खाने को मिले ये ठंडे समोसे, पर हम कंप्लेन भी क्या ही करें, यहाँ पे टूरिस्ट तो आते नहीं है। फिर सब गांव वालों ने बताया कि हेलीपैड तक जाओ, वहाँ पे तुम्हें मजा आएगा। तो हम दोनों निकल गए हेलीपैड की तरफ। तो यार हम लोग हैं अभी क्वार गांव में और हम लोग जा रहे हैं अभी हेलीपैड, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, हेलीपैड है बस एक, जहाँ से कुछ अच्छा सा व्यू दिखता है। तो यहाँ पे जैसे जहाँ पे हमने अभी समोसे खाए, अरे समोसे तो हमने खाए वो ठंडे ही थे, लेकिन बस भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, लंच किया नहीं था तो बस अच्छा लग गया वो भी। जहाँ पे हमने स्टे किया है उन्होंने यही बोला हेलीपैड जाओ, सबने हमें बोला हेलीपैड जाओ, तो हम जा रहे हैं हेलीपैड। अब देखिए हेलीपैड में क्या है, अगर कुछ बढ़िया सा नज़ारा होगा तो आपको नज़ारा दिखाएंगे, नहीं तो हेलीपैड तो दिखाई देंगे। क्वार गांव का हेलीपैड। हेलीपैड पर पहुंचने के बाद कुछ खास तो नहीं लगा, पर एक बढ़िया सा सनसेट देखने को मिल गया। तो यार हम लोग पहुंच चुके हैं क्वार के हेलीपैड पे और ये है हेलीपैड, ये पीछे लिखे यहाँ पे बना हुआ है और काफी बड़ा सा ग्राउंड सा है। यहाँ पर कैंप वैम्प भी कर सकते हैं पूछ पाछ के किसी से, मतलब परमिशन लेके, क्योंकि हेलीकॉप्टर तो रो जाता नहीं होगा। यहाँ से सामने अच्छा व्यू है, सामने रोड दिख रही है, पहाड़ है, थोड़ा भी सनसेट होने वाला है तो थोड़े हेजी सा हो रहा है मौसम। वैसे तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पे जो लोग हैं सेब की खेती करते हैं और सेब का ही यहाँ पे सारा चीजें हैं, और सेब का भी चालू हो गया है काम। अगस्त और सेप्टेम्बर में यहाँ पे बहुत ज्यादा रश होता है क्योंकि वो जो सेब के ट्रक्स वगैरह है वो सब आते हैं, तो उस टाइम अगर आप आओगे तो आप यहाँ पे जाम वाम में फंस सकते हो क्योंकि रोड्स आपने देख लिए कितनी छोटी छोटी है। तो मेरे हिसाब से मई जून वाला टाइम जो बेस्ट है, यहाँ पे थोड़ा ठंडा भी रहता है और खाली भी रहता है, ज़्यादा लोग भी नहीं है। सच कहूं हेलीपैड पे ऐसा भी कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नजारा नहीं था, तो यही डिसअपॉइंटमेंट के साथ हम फिर से रूम पर आ गए। तो यार हम लोग क्वार में रुके हुए हैं एक होमस्टे के अंदर और यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास। आपको मैं दिखा देता हूँ ये रूम कैसा है, ये पूरा लकड़ी का बना हुआ रूम है। तो ये एक यहाँ पे बेड है, ये जो नीचे का फ्लोरिंग है ये भी पूरी लकड़ी की है। इधर वॉशरूम है, गीजर वीजर नहीं है यहाँ पर, तो ये गीजर के नाम पर हमारे को ये मिला है, इससे पानी गर्म होएगा, ये देसी जुगाड़ है। बाहर से बड़ी अच्छी लोकेशन दिखती है और बाहर जाके आपको दिखाऊं तो यहाँ से बालकनी है, बालकनी में यहाँ पे सामने गेहूं के खेत है, सेब के पेड़ लग रहे हैं। और इधर चलते हैं अगर हम, पूरा लकड़ी का है, आवाज़ आ रही होगी आपको। तो इधर चलते हैं तो हम, इधर सामने माउंटेन्स का व्यू आता है बहुत अच्छा सा। इधर अगर हम जाएंगे तो इधर आपको देखने को मिलेगा, तो इधर से आपको देखने को मिलेगा क्वार गांव का पूरा व्यू, ये सारे पुराने पुराने घर आपको देखने को मिल रहे हैं सामने। 5 hours later रात में जंगली जानवरों की आवाज से थोड़ी हालत खराब हुई थी, पर रूम बंद करके आराम से सो गए क्योंकि सुबह निकलना था यहाँ से। तो यार रात को तो यहाँ पे भयंकर भयंकर आवाज आ रही थी, कुत्ते बहुत ज्यादा भौंक रहे थे, पता नहीं क्या था यहाँ पर, कोई जानवर वानवर आया था। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के देख रहे थे, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया, हम टॉर्च नहीं लेकर आए थे, हमें टॉर्च गाड़ी के अंदर रखी थी, नहीं तो हम देखते तो लाइटें वाइटें मार के आंखों में कुछ लाइट चमकती हुई दिखती। फिर अपन जो है सो गए थे, फिर उसके बाद सुबह सुबह 6 बजे आँख खुल गई थी, सुबह उठते तैयार हो गए अब यहाँ से निकलने के लिए। हम लोग अब यहाँ से जाएंगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्या ऊपर की तरफ जाएंगे, पहले चांचल पास की तरफ, देखते कहाँ आज हम लोग स्टे करने वाले हैं। तो ये जो डोडरा क्वार गाँव है ये जो है 2500 मीटर की हाइट पर है करीब, और यहाँ पर एक रूपिन रिवर है जिसके दूसरी साइड जो है डोडरा गांव है और एक साइड जो है क्वार गांव है, तो दोनों को यूज एक साथ ही किया जाता है डोडरा क्वार के नाम से। तो अभी यहाँ से जो है डोडरा जो है 20 किलोमीटर दूर है, और ये जो रूपिन रिवर है ये जाके यमुना रिवर में मिलती है और फिर यमुना बन जाती है आगे जाके, थोड़ी सी दूर से उत्तराखंड चालू हो जाता है, यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर हुआ मुश्किल से, और वहाँ तक रोड भी बनी हुई है, सिर्फ 2-3 किलोमीटर के रोड का काम बाकी है, और बोल रहे कि 1-1.5 साल में जो है कनेक्ट हो जाएगा ये। तो फिर यहाँ से आप उत्तराखंड जा सकते हो सीधा बरकोट, और वहाँ से फिर आप दिल्ली जा सकते हो, तो आप पूरा सर्किट कर पाओगे थोड़े साल में। थोड़ी देर यहाँ पे बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। सामान समेटकर हम निकले तो दूसरा रास्ता लेने का फैसला किया, और ये काफी स्टीप और खतरनाक था, पर थोड़ा आगे बढ़े ही थे एक गजब का नजारा दिखा।
असल में क्वार विलेज जो है दो जगह बसा हुआ है, एक हाइट पर है और एक नीचे के एरिया में है। तो हमें देखने को मिला नीचे वाले गांव का व्यू जिसको बोलते हैं कितवारी, और उसको देखने के बाद मिला सुकून। तो वहां के कुछ फोटोज और वीडियोस बनाकर हम आगे की तरफ बढ़ चले। एक साथ इधर उधर नहीं भागते, कटजो करने पड़ते हैं, डंडे मार। अच्छा लेने पड़ते हैं। तो मतलब सर्दियों में, मतलब फिर आप कैसे करते हो इनको? सर्दियों में देहरादून ले जाते हो। अच्छा देहरादून ले जाते हो? कौन सा देहरादून? अच्छा हरियाणा सब ले जाते हैं। हरियाणा भी ले जाते हो पैदल? पैदल जैसे गर्मी शुरू हो जाएगी धीरे 3-3 किलोमीटर करके चलते तय करके फिर यहाँ पहुँच जाएंगे और ऊपर जाएंगे जो। अच्छा फिर जैसा बर्फ गिरना शुरू हो जाए फिर नीचे, पूरे साल यही करना है। यहाँ से आगे डोडरा विलेज पहुँचे, फाइनली ये नेगी भोजनालय आज ओपन था। बस रुकी हुई थी तो काफी ज्यादा भीड़ थी, हम भूखे थे तो हमने बनवा लिए पराठे। ठंडे मौसम में धूप में बैठकर पराठे खाए जिसका मजा ही आ गया, और उसके बाद हम चल दिए अपने रास्ते पर। चांचल पास पहुँचते मौसम बिगड़ने लगा था। तो चांचल पास जो है हम लोग पहुँचने वाले हैं, और अब यहाँ पे हो गई ठंड, तो हमने जैकेट वैकेट पहन ली और मौसम बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, बादल हो रहे हैं। वो भाई आज से जैसे करीब 10-15 साल पहले रोहतांग पास दिखता होगा ना, ये रास्ता कुछ वैसा है। अगर आप रोहतांग पास गए होगे करीब 10 साल पहले तो आप समझोगे कि भाई कुछ वैसी ही वाइब्स आ रही है यहाँ पर। यदि हम रोहतांग चढ़ेंगे फिर मनाली की तरफ उतरेंगे, मतलब कोक्सर साइड से, बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ठंडा एकदम बढ़िया ठंडा है, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर यहाँ पर रुकने के बाद हम आगे उतरना शुरू कर देते हैं और अच्छे रोड्स का इंतजार भी कर रहे होते हैं। रोहड़ू पहुंचकर हमें मिलते हैं अच्छे रोड्स, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। रोहड़ू पार करते ही मुझे दिखता है एक छोटा सा होमस्टे का बोर्ड। शाम हो चुकी थी तो हमने डिसाइड किया कि यहाँ पर हम आज रुक जाते हैं। तो हमारे डिनर में है ये घिया चने की दाल, जो कि मैं नहीं खाता हूँ यार। ये क्या है? ये क्या है भाई, क्या ये? ये सिंजू। क्या ये? हिमाचल का सिंजू। सिंजू याद है, दिल्ली वाला सिंजू। अरे भाई वही है भाई, ये पता नहीं क्या आइटम है, मतलब मैंने कभी नहीं खाई, थोड़ा अलग सा लग रहा है। ये तो रायता है, अभी चावल में भी घिया चने की दाल है, मैं नहीं खाता हूँ, आज खाना पड़ेगा। खाना तो आ गया है, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स आ चुके हैं जो मैं रेगुलरली नहीं खाता हूँ। मैन्यू बता देना चाहिए था। उन्होंने पूछा हमसे क्या खाओगे, उन्होंने कहा जो बनाना बना लो, उन्होंने बना लिया। खानी पड़ेगी, चलो खा लेते हैं, फिर बताता हूँ मैं कहाँ पर हूँ और कौन सी जगह है। तो यार अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। यहाँ पर हमने होम स्टे लिया था, ये है जतिन होम स्टे, और ये जगह पड़ती है कोटखाई। कोटखाई में ये हाईवे पर ही है और बहुत ही अच्छा होम स्टे था, साफ सुथरा है, घर है, एक्चुअल में इनका घर था और अभी इन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया, तो अभी फिलहाल जो है ये होम स्टे बन गया है। हमारे को ये रूम पड़ा 800 रुपए का, जो कि बहुत ही रीजनेबल था, डिनर भी हमने यहीं पे कर लिया था। वो बात और है कि मैं घिया चने खाता नहीं तो मेरे को वो खानी पड़ गई मजबूरी में, क्योंकि लेट बहुत हो गया था और कुछ और बनवाना फिर अच्छा नहीं लगता। चलें, चलो चला जाए, चलो। तो ये देखो यार, ये है विंडो से यहाँ का नज़ारा सामने। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ये है कोटखाई जगह, और यहाँ से अभी हम लोग जाएंगे, यहाँ से हम लोग जाएंगे ठियोक की साइड। ठियोक से कुछ पहले ही रास्ता कटता है सोलन की तरफ, तो हम उस सोलन वाले रूट को पकड़ेंगे। वो थोड़ा नया रूट होगा और उस पर ट्रैफिक भी कम होने की उम्मीद है, क्योंकि शिमला साइड जो है पीक सीजन चल रहा है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज्यादा टूरिस्ट है, तो वहाँ पे फंसेंगे हम जाम में, तो इसलिए हम दूसरा रास्ता पकड़ेंगे जो हो सकता है थोड़ा खराब हो, लेकिन उसमें भीड़ नहीं होगी ऐसा हमें लगता है। हाँ लगता तो ऐसे ही, बाकी तो कुछ भी हो सकता है, पहाड़ों में कुछ भी हो सकता है भाई। सुबह यहाँ से निकले ही थे कि मौसम गर्मी वाला फील होने लगा था, तो धीरे धीरे हम सोलन की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो यार बहुत ही ज्यादा गर्मी हो गई, तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, ये पहनना पड़ेगा। कड़ियाँ आ जा रही है। कैसे चेंज करूँ,
अरे तेरी यस नाउ आई एम रेडी। चेंज हो गया है अब, गर्मी नहीं लगेगी। तो मुबारक जो है फोटोग्राफी कर रहा है थोड़ी सी, और हमने चेंज कर लिया अपना, अब आराम से जाएंगे यार। उठाएगा बेरों बेचारे की तो भूखा है ना, इसकी हड्डियाँ दिख रही थी, तो मेरे पास बिस्किट ही पड़ा था तो मैंने बिस्किट डाल दिया इसको। रोटी वोटी होती तो रोटी खिला देता मैं, कमज़ोर है बहुत। अभी सोलन पहुंचे भी नहीं थे कि बारिश ने हमारा स्वागत किया। बस अब आगे के रास्ते में गर्मी ही गर्मी मिली और हम रात होते होते पहुंच गए दिल्ली, जहां पे हमें पहाड़ों से ज्यादा वाटर क्रॉसिंग्स मिल गई। नदी में गाड़ी चलाते हुए फाइनली मैं घर पहुंच गया। इस ट्रिप पे काफी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस करने को मिला, कुछ नई जगह देखने को मिली। आपको कैसा लगा ये पूरा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। बाय बाय, फिर मिलते हैं आगे किसी कहानी के साथ।